रविवार को अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने 20वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन जूडो जिन्माष्टमी ताइक्वांडो और वुशु के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने जूडो और जिन्माष्टमी की चल विजयंती 26वीं वाहिनी गोरखपुर, ताइक्वांडो की चल विजयंती 27वीं वाहिनी सीतापुर और वुशु की चल विजयंती 25वीं वाहिनी रायबरेली को भेंट कर प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा का सेना नायक 26वीं वाहिनी पीएससी हेमराज मीना और अन्य सेना नायकों ने स्वागत किया। प्रतीक प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने के लिए जूडो, जिन्माष्टमिक, ताइक्वांडो और वुशु के कुशल प्रशिक्षण और निर्णायक सहित समस्त टीमों के मैनेजर और अन्य खिलाड़ीगण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी मुख्य अतिथि को देते हुए 26वीं वाहिनी पीएससी हेमराज मीना और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने अपने उद्बोधन में कहा। जवान पर और विजेता टीम पचासवीं बटालियन 27वीं बटालियन सीतापुर एक बार पुनः सीतापुर से सेकंड बटालियन केसरिया रंग के जर्सी में द्वितीय स्थान 66 किलो वर्ग में रामनाथ सोनकर 26वीं वाहिनी प्रथम स्थान 26वीं वाहिनी प्रथम
आरक्षी रामाशंकर यादव और जिम्नास्टिक टीम भी गोल्ड मेडल है, वो सारे गोल्ड मेडल भी 27 बटालियन पीएससी सीतापुर को मिला है। और मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री दावा शेरपा सर, एडीजी जॉन गोरखपुर, अन्य पधारे हमारे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारीगण, सभी अलग अलग जनपदों से हमारी आई हुई टीमें, मीडिया के बंधु, मैं आज आपके सामने पिछले दो दिनों से यहाँ पे पिछले तीन दिनों से 4 मई से जो प्रतियोगिता चल रही थी उसका एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखूँगा। महोदय, इस बहानी में 20वीं अंतर वाहनीय पीएसी मध्य जोन की जूडो, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो एवं बुसू प्रतियोगिता का शुभारंभ दिनांक 4/5/2018 को श्री एन चौधरी पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर द्वारा किया गया था, जिसका समापन आज दिनांक 6/5/2018 को आपके द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पीएसी मध्य जोन की कुल 9 टीमों के लगभग 275 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा, जूडो में 18 अंक के साथ 26वीं वाहनी पीएसी गोरखपुर की टीम विजेता एवं 12 अंकों के साथ में 11वीं वाहनी पीएसी सीतापुर की टीम उपविजेता रही है। ताइक्वांडो में 56 अंकों के साथ में 27वीं वाहनी पीएसी सीतापुर की टीम विजेता एवं 14 अंकों के साथ में 11वीं वाहनी पीएसी सीतापुर की टीम उपविजेता रही। बुसू में 55 अंकों के साथ में 25वीं वाहनी पीएसी रायबरेली की टीम विजेता एवं 40 अंकों के साथ में 10वीं वाहनी पीएसी बाराबांकी की टीम उपविजेता रही। जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 128.60 अंकों के साथ 26वीं वाहनी पीएसी गोरखपुर की टीम विजेता एवं 127.20 अंकों के साथ द्वितीय वाहनी पीएसी सीतापुर की टीम उपविजेता रही। तथा सेना नायक 26 वाहिनी वाहिनी के अन्य अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, मैच रेफरीज, विभिन्न बटालियनों से आए टीम मैनेजर्स, कोच तथा हमारे खिलाड़ी साथियों, मीडिया के बंधुओं, उपस्थित आमंत्रित महानुभाव, ये बेहद खुशी की बात है कि आज आपके बीच आने का मौका मिला तथा इस समापन समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बेहद खुशी की बात है कि बहुत अधिक व्यस्तता के बावजूद हमारे कर्मचारी खेल के प्रति इतना समय दे पा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। जिन लोगों को इनाम मिले हैं, जो जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जो नहीं जीते हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में वो भी जीते। जूडो, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक्स, ये सभी खेल बहुत ही टेक्निकल स्पोर्ट्स हैं। इसमें बहुत तकनीक में बहुत ध्यान देना होता है और सही तकनीक अपनाते हुए लगातार प्रैक्टिस इसकी आवश्यकता है। आपने इस बार मैंने देखा नया आइटम वुशु का भी इंट्रोडक्शन यहाँ मैं देख रहा हूँ। ताइक्वांडो में भी हमारे खिलाड़ियों ने कुछ दमखम दिखाया है। आगे जाकर ये जो प्रयास है और लोग इसमें शामिल होंगे और हमारे पुलिस परिवार से भी राष्ट्रीय खेलों में, एशियाई खेलों में, इन खेल आइटम्स में पदक प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको पता ही है ये जो मार्शल आर्ट्स बनाम कम्बैट की जो
आर्ट फॉर्म है जिसमें आप कराते, कुंफू, जूडो, ताइक्वांडो या वुशू ये लेंगे। इसकी एक खासियत है, इसकी खासियत ये है कि कहीं ना कहीं ये जो खेल है इसका प्रादुर्भाव, इसका स्रोत हमारा ही देश है। आज हम लोगों को देखने में कुछ ऐसा लगता है कि कोई विदेशी टाइप का गेम है। आपने अंपायर को देखा होगा, रेफरीज को देखे होंगे, तो उनके जो आदेश होते हैं वो बहुत लोगों को समझ नहीं आने। उसका कारण ये है कि ये भारतवर्ष से चलकर विभिन्न देशों में, विभिन्न कालखंडों में उसने एक परिष्कृत रूप लिया, या वहाँ के स्थानीय आवश्यकता या वहाँ की जो लोगों ने उसको जिस तरह से अपनाया उस फॉर्म में आज हम देख रहे हैं। अगर जापान में कराते हैं तो चीन में कुंफू है, कोरिया में जाके वो ताइक्वांडो का रूप लिया है। इस तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसका, कहीं लेग्स का यूज बहुत ज़्यादा है, कहीं हाथ का उपयोग बहुत ज़्यादा है। जूडो तो हमारे जो कुश्ती है उसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता गेम है। इसमें एक बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं बहुत ताकत की ज़रूरत है, वास्तव में ये ताकत की ज़रूरत नहीं, इसको बोलते हैं आपका जो ताकत है, एनर्जी है, फोर्स है, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तकनीक के जरिए, साधना के जरिए इसको कैसे आप आपसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को परास्त कर सकते हैं। भारत से इसे चल के गया है कि आपको याद होगा जब बहुत भिक्षु यहाँ से प्रचार करने उन देशों में जाते थे तो रास्ते में तमाम डकैत, बदमाश उन पर हमला करते थे। अब वो भिक्षु कोई हथियार लेके तो चल नहीं सकता था, नहीं उनके पास जत्था हुआ करता था, तो यही सब सीख के वो अपने आत्मरक्षा करते थे। उसी की बात है, चाहे जिस रूप में हो, आज आप हमारे बीच में है, आप हमारे सामने हैं और हम भी इसको पुनः अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में पुनः सभी लोगों को, विजयी लोगों को शुभकामनाएं, बधाई, और बाकी लोगों को भी भविष्य में बहुत अच्छा करने की बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वाहिनी पीएसी मध्य जोन की जूडो, जिम्नास्टिक्स, ताइक्वांडो एवं वुशु प्रतियोगिता वर्ष 2018 के समापन की घोषणा करता हूँ।